हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है, बट वहां पर यूटिन अभी तक अपडेट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से हम यूटिन अपडेट नहीं कर रहे थे। बट अब ये फैसिलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अपडेट यूटिन ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि सीबीडीटी ने यूटिन की डेट एक्सटेंड कर दी थी, वो एक्सटेंडेड ड्यूटेड थी वो 30 अप्रैल 2022 थी, तो अभी 12 अप्रैल हो चुकी है, 18 दिन बचे हैं। तो जो भी आपने काम किया हुआ है उसे इनकम टैक्स पोर्टल पे देख लीजिए और जिसके यूटिन अपडेट होने वो इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में पता नहीं कुछ फिर प्रॉब्लम आ जाए। तो दोस्तों ये मैंने अपने सीए यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है, अब मुझे ई फाइल पर जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाना है, उसके बाद व्यू और अपडेट यूटिन डिटेल्स पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये पैन नंबर आ रहे हैं, या असेसमेंट ईयर आ रहा है, या फॉर्म नेम, फिल डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूडिन और यूडिन स्टेटस। तो दोस्तों हमें जैसे अपडेट करना है, जैसे ये पैन नंबर है, अगर आपने कोई एक्सेल में लिस्ट बना रखी है यूडिन की तो आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज आप आईसीआई के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके जहां से हम यूडिन जनरेट करते हैं वहां पर लिस्ट ऑफ यूडिन आती है, तो वहां पर आप पैन नंबर से सर्च करके वहां से भी आप यूडिन उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, अपडेट यूडिन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये हमने डाल दिया है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन सबमिट। अभी थोड़ा साइट स्लो चल रही है, अब यहाँ पर आपका ये मैसेज आएगा, यूडिन फॉर द फॉर्म हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, गो बैक। तो यहाँ पर जिसका मैंने अपडेट करा वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो है, काफी लोग तो भूल भी गए होंगे कि हमें यूटिन अपडेट करना है, और अगर आपको याद है तो काफी बार साइट में प्रॉब्लम होने की वजह से हमने उसे डिले कर दिया था, बट आप सबसे पहले आज ये काम करिए कि GSTR1 की ड्यू डेट भी ओवर हो चुकी है, तो आप यूटिन वाला काम आज फिनिश कर सकते हैं। हार्डली हाफ एन आवर लगेगा अगर आपके 20 से 25 फाइलों में यूटिन अपडेट करना है, और अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको यूटिन अपडेट करते समय कोई किसी तरह की वैलिडेशन एरर या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, तो जो भी प्रॉब्लम होगी हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके और आपकी यूटिन इजी तरह से अपडेट हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार, बाय बाय।